بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابھی خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں خطیب اعظم لاہور جناب مقرر شری بیان خطیب اعظم لاہور حضرت مولانا حمزہ یاسین یزدانی صاحب۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسل عليه، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ اللہ کو منگ بندیا، اللہ کو منگ بندیا، جتوں موڑ نہ تھوڑ ہوئے پردے کج لیندا، بندہ عمراں دا چور ہوئے۔ اللہ کو منگ بندیا، جتھوں موڑ نہ تھوڑ ہوئے پردے کج لیندا، بندہ عمراں دا چور ہوئے۔ اور قرآن دیاں پڑھ آیتاں وچ شک کوئی نہیں، اللہ دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں، اللہ دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں، ولی پیر پیغمبراں دا، ولی پیر پیغمبراں دا، پاویں رتبہ ہور ہووے پردے کج لیندا، بندہ عمراں دا چور ہووے۔ اللہ کول منگ بندیا، جتھوں موڑ نہ تھوڑ ہووے پردے کج لیندا، بندہ عمراں دا چور ہووے۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام تو بعد، ماشاءاللہ آج دی عظیم الشان فقید المثال سیرت امام الانبیاء کانفرنس جیڑی الحمدللہ جاری و ساری ہے، اس کانفرنس واسطے دن رات محنت کرنے والے، تگو دو کرنے والے محترم عزیزم محترم جناب محمد اسحاق بھٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دے دیگر رفقا،
अल्लाह को दुआ है अल्लाह इन दियां मेहनतां काविशां कोशिशां अपने दरबार दे अंदर मकबूलो मंजूर फरमाए। माशाल्लाह मेरे तो कबल खतीब इस्लाम हजरत मौलाना इलियास मदनी साहब बड़ा जानदार शानदार खिताब फरमा रहे सन, मेरे तो बाद भी इंशाल्लाह उलमा अपने अपने वक्त दे अंदर खिताबात फरमाएंगे। मेरे जिम्मे जो मोहतरम बड़ी साहिब ने उनवान लगाया है वो है अजमत कुरान शान कुरान। हजरत जी वकार दुनिया जहान के अंदर दुनिया की तारीख और हिस्ट्री का अगर मुताला किया जाए दुनिया के अंदर सैकड़ों हजारों लखां की तादाद के अंदर किताबा मौजूद ने और उन्हां सारियां किताबां नूं एक पासे रख दिता जाए ते रब दे कुरान नूं एक पासे रख दिता जाए वो सारी दुनिया दियां किताबां मिलके भी कुरान दी अजमत दा मुकाबला नहीं कर सकदी। एक सैड ते जिहड़ियां सारी दुनिया दियां किताबां पईयां ने मेरे कोल भी इख्तियार है तुहाडे कोल भी इख्तियार है कि असीं खड़े होके उन्हां ते उंगली उठा सकने हां शक कर सकने हां कि इहदे अंदर फलां गलती है इस किताब के अंदर फलां कोताही है। लेकिन अल्लाह की कसम जो कुरान मेरे मालक ने मेरे खालक ने अपने पैगंबर दे सीना अतहर ते नादिल फरमाया उस कुरान के अंदर गलती ते दूर दी गल है मेरे मालक ने शको शुबे की गुंजाइश भी बाकी नहीं छड़ी है। किथे लिखे है अल्लाह मलिकुल अल्लाम दा कुरान ऐलान फरमा रहे है। आइए जरा फरमाने खुदाबंदी समाद फरमा लीजिए अल्लाह मलिकुल अल्लाम ने अपने कुरान दी इब्तिदा दे अंदर इस बात दा ऐलान फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद जिन्ने बैठे एक दफा सारे हाथ खड़ा करके दुरूद पढ़ो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह जिन्ने बैठे हो बड़ी मुहब्बत और प्यार दे नाल तशरीफ रखो नाले वैसे भी पैगंबर दा नाम आए ते होशियार हो के हशाश बशाक हो के बैठो पैगंबर दा नामे नामी इसमें गिरामी सुन के दुरूद पढ़िया करो मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ऐलान फरमा दीजिए। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल्लिल मुत्तकीन। अल्लाह जुल जलाले वल कराम ने अपने कुरान दे अंदर ऐलान फरमाया फरमाया ए जड़ी किताब मैं तो अपने पैगंबर दे सीने दे नाज़िल फरमाई है कुरान जड़ा मैं अपने पैगंबर दे सीना पाक दे नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने ला रैब फीह इस किताब दे अंदर शको शुबा ते दूर दी गल है मैं मालिक ने इस किताब दे अंदर शको शुबे दी गुंजाइश भी बाकी नहीं छोड़ी। हजरात अल्लाह दा कुरान खुद अल्लाह दा कुरान अपनी अजमत बयान कर रहे है। अल्लाह ने अपने कुरान दे दूसरे मुकाम ते ऐलान फरमाया फरमाया अफला यतदब्बरूनल कुरान वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। इत्थे अल्लाह पाक ने उन्हां लोगां नूं मुखातब फरमाया जेड़े आंदे सन जी ये कुरान झूठा है ये नाउज़ बिल्लाह पैगंबर आप घड़के लैके आंदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा अल्लाह पाक ने कुरान पाक दी अजमत और शान नूं इस तरह उजागर फरमाया कि कयामत तक दे आने वाले लोगों नूं ऐलान फरमा दिता। फरमाया अफला यतदब्बरूनल कुरान फरमाया तुसी इस कुरान ते गौर क्यों नहीं करते
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਲ ਕਰਾਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲੂ ਕਾਨ ਮਿਨ ਇੰਦੀ ਖੈਰਿਲਾਹੀ ਲਵਜਦੂ ਫੀ ਇਖਤਲਾਫਨ ਕਸੀਰਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੁਨੱਜ਼ਲ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਏ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈ ਏ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਖਾਲਕ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈ ਏ। ਹਜ਼ਰਾਤ, ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਪਾਕ ਤੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਅੱਲਾ ਅਰਫਾ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਏ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੋਹਤਰਮ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਰਾਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈ, ਇੰਜੀਲ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈ, ਜ਼ਬੂਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਾ ਨਹਨੁ ਨਜ਼ਲ ਜ਼ਿਕਰਾ ਵਾ ਇਨਾ ਲਹੁ ਲਹਾਫਿਜ਼ੂਨ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਉਠਾਇਆ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤੋਰਾਤ ਜ਼ਬੂਰ ਇੰਜੀਲ ਵੀ ਏ, ਤੋਰਾਤ ਜ਼ਬੂਰ ਇੰਜੀਲ ਵੀ ਏ, ਪਰ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਏ। ਤੋਰਾਤ ਜ਼ਬੂਰ ਇੰਜੀਲ ਵੀ ਏ, ਪਰ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਏ। ਚਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮਾ ਰੱਬ ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਦਾ, ਚਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮਾ ਰੱਬ ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਏ। ਤੋਰਾਤ ਜ਼ਬੂਰ ਇੰਜੀਲ ਵੀ ਏ, ਪਰ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਜੱਗ ਤੇ ਛਾ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਜੱਗ ਤੇ ਛਾ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਜੱਗ ਤੇ ਛਾ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉੱਚਾ ਮਰਤਬਾ ਪੜਨ ਪੜਾਣ ਦਾ ਏ। ਤੋਰਾਤ ਜ਼ਬੂਰ ਇੰਜੀਲ ਵੀ ਏ, ਤੋਰਾਤ ਜ਼ਬੂਰ ਇੰਜੀਲ ਵੀ ਏ, ਪਰ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅਯੁਹੰਨਾਸ, ਯਾ ਅਯੁਹੰਨਾਸ, ਕਦ ਜਾਅਤਕੁਮ ਮੌਇਜ਼ਤੁਮ ਮਿਰ ਰੱਬੀਕੁਮ ਵਸ਼ਿਫਾਉਨ ਲਿਮਾ ਫਿਸ-ਸੁਦੂਰ ਵਹੁਦੌ ਵਰਹਮਤੁਲ ਲਿਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ। ਅੱਲਾ ਮਲਿਕੁਲ ਅਲਾਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੋਮਿਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾ ਅਯੁਹੰਨਾਸ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਕਦ ਜਾਅਤਕੁਮ ਮੌਇਜ਼ਤੁਮ ਮਿਰ ਰੱਬੀਕੁਮ, ਐ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਸੀਹਤ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈਏ। ਮੌਇਜ਼ਤੁਨ, ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈਏ। ਵਸ਼ਿਫਾ ਉਲ ਲਿਮਾ ਫਿਸ-ਸੁਦੂਰ,
फरमाया ओ लोग जड़े बीमार ने जिन्ना दे दिल बीमार ने। एक हुंदे जिस्मानी बीमारी लेकिन कई ऐसे भी लोग हुंदे ने जिन्ना दे दिल बीमार हुंदे ने, जिन्ना दा कुरान वल आन नू दिल नहीं करदा, जिन्ना दा नमाज वल आन नू दिल नहीं करदा, जिन्ना दा मस्जिद वल आन नू दिल नहीं करदा। फरमाया वशिफा उल्ली माफी सुदूर, उन्हां लोगां वास्ते अल्लाह पाक ने इस कुरान दे अंदर शिफा रख छड़ी है। कुरान नू सुनणगे दिल मोम हो जाएगा, कुरान नू पढ़णगे दिल मोम हो जाएगा, कुरान दियां तिलावतां सुनणगे अल्लाह पाक दिल इस्लाम दी तरफ फेर देणगे, अल्लाह दिल मस्जिदां दी तरफ फेर देणगे, अल्लाह दिल नमाज़ां दी तरफ फेर देणगे। आओ ते सही कुरान दे नाल दिल लगाओ ते सही, कुरान दे नाल प्यार पाओ ते सही। ओ लोग जिन्ना कुरान दे नाल दिल लगाया, ओ लोग जिन्ना कुरान दे नाल प्यार पाया, फिर अल्लाह पाक ने उन्हां लोगां नू अजमतां अता कर दित्तियां, उन्हां लोगां नू शाना अता कर दित्तियां, उन्हां लोगां नू मुकाम ते मर्तबे अता कर दित्ते। हजरात मेरे पैगंबर दे सहाबा ने कुरान नू पढ़िया, कुरान नू सुनिया, रब ने अजमतां अता कर दित्तियां। सहाबा ताबईन तबा ताबईन मुफस्सरीन उलमाए किराम आइमाए दीन जेड़े जेड़े कुरान दे नेड़े आंदे गए, जेड़े जेड़े कुरान दे नाल दिल लगांदे गए, अल्लाह पाक उन्हां नू इज्जतां शाना मुकाम ते मर्तबे अता कर दे गए। एक मिसाल तुहाडे सामने पेश करां, तुहाडे ते मेरे कायद हजरत अलामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अलामा एहसान लई जहीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हबीबुर रहमान यज़ानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। हजरात कुरान दे नाल कैसा प्यार पाया, कुरान दे नाल कैसियां मुहब्बतां पाईयां। हजरत यज़ानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब तक जिंदा रहे अल्लाह दा कुरान पढ़दे रहे, रब दे कुरान दियां तिलावतां करदे रहे, ते जदों भी कुरान पढ़िया करदे अल्लाह कोलो दुआ करिया करदे। अल्लाह सोहणिया मर ते इक दिन सारे ही जाना ने, कई बीमारी दी हालत दे अंदर फोत हो जांदे ने, कई एक्सीडेंट दी हालत दे अंदर फोत हो जांदे ने, कईआं नूं चोरी करदिआं डाकियां मारदिआं मौत आ जांदी ए। लेकिन अल्लाह सोहणिया मैं हबीबुर रहमान तेरे कोलो दुआ करना वा, अल्लाह मैनू जदों भी मौत आए रब दा कुरान पढ़दिआं पढ़दिआं आए, अल्लाह मैं जदों भी दुनिया तो जावा तेरे नबी ते नाज़िल होण वाला कुरान पढ़दिआं पढ़दिआं दुनिया तो जावा। ते हजरत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह लाहौर किला लक्ष्मण सिंह दे अंदर रब दे कुरान दियां तिलावतां करदे ने पै, कुरान पढ़दे ने पै, अंदाज कितना प्यार है। पढ़दे ने वा इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबीन, वा इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां करदे ने पै, कुरान दी तिलावत मुकम्मल कीती पिछे स्टेज ते बह जांदे ने। हजरत अलामा एहसान लई जहीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह दा बयान शुरू होया, ए अल्फाज जुबान ते ने, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमश। अल्लाह दी कसम उठा के आना, हजरत अलामा साहब दी जदों भी वीडियो वेखी दी है, जदों भी अल्फाज सुने दे ने, एक दफा ते रोंगटे खड़े हो जांदे ने, एक दफा ते अक्खां विचों आंसू जारी हो जांदे ने। इन्ने जुमले कह धमाका होया, हजरत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह उसे वक्त ही दुनिया तो चले गए, अपने रब दे नाल जा मुलाकातां कीतियां। जब तक जिंदा रह रब दा कुरान पढ़दे रह, अल्लाह पाक ने मौत भी दिती वजू दी हालत दे अंदर कुरान पढ़ के जे फारग ही होए ने रब ने अपने कोल बुला लिया। हजरात कदी असी भी कुरान दे नाल इस तरह दा दिल लगाइए, फिर जदों दुनिया तो जावांगे पिछों लोग याद करनगे फलाना बंदा सी कुरान नाल बड़ी मुहब्बत करदा सी, कुरान दे नाल बड़ा प्यार करदा सी। अज हजरत अलामा साहब दा लोग जिक्र करदे ने, हजरत यज़दानी साहब दा लोग जिक्र करदे
करते ने क्यों उन्होंने कुरान नाल प्यार बड़ा सी उन्हों की कुरान के नाल मुहब्बत बड़ी सी। मैं भी मुहब्बत के प्यार के जुमले कहना चाहना हजरत अलामा साहब की याद के अंदर दो चार जुमले कहना चाहना के अख विच अख पाके करदा सी गल अख विच अख पाके करदा सी गल हुक्मरानों सुन लो ए फैसला अटल करदा हर जाते हक दा ऐलान करदा हर जाते हक दा ऐलान खतीबे मिल्लत ऐसी अलामा एहसान ते दुनिया मन गई है ते दुनिया मन गई है पड़ोस मिलिया जिन्हों हजरत उस्मान ते दुनिया मन गई है ओ सदर ओ सदाम दी सदारत वेच कीता जो खताब सदर ओ सदाम दी सदारत वेच कीता जो खताब उठ के सदाम आके खतीब ला जवाब खिताब कीता जा अरबी जुबान खिताब कीता जा अरबी जुबान ते दुनिया मन गई है पड़ोस मिलिया जिन्हों हजरत उस्मान ते दुनिया मन गई और हबीब ते जहीर सल मोती अनमोल हबीब ते जहीर सल मोती अनमोल रब ने बुला ले दोनों अपने कोल रब ने बुला ले दोनों अपने कोल कर दे हर जाते हक दा ऐलान दोवे है सन अपने मसलक दे तर्जमान ते दुनिया मन गई है ते दुनिया मन गई है। हजरात क्यों क्योंकि इन्हां लोगों ने कुरान दे नाल प्यार पाया इन्हां लोगों ने कुरान दे नाल दिल लगाया सिर्फ कुरान पढ़ना ही नहीं सिर्फ कुरान सुनना ही नहीं बल्कि कुरान ते अमल भी करना है। बोलो कुरान ते अमल भी करना है कुरान दे नाल पूरा प्यार पाना है। इस वास्ते अल्लाह पाक ने अपने कुरान के अंदर ऐलान फरमाया आओ जरा क्योंकि अज़मत कुरान ते सिर्फ कुरान दी गल्लां कर रहे हैं आखिरी गल्लां ते बात खत्म करा। अल्लाह पाक ने अपने कुरान के अंदर ऐलान फरमाया फरमाया वहाजा किताबुन अनज़ल्लाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह जुल जलाल वल कराम ने ऐलान फरमाया फरमाया असी इस किताब नु बड़ी बरकत नाजिल फरमाया ये किताब बड़िया बरकत वाली बड़िया रहमत वाली है। अल्लाह फरमांदे ने फत्ता भी ऊ एदी पैरवी करो एदी इत्तबा करो कुरान नु पढ़ते जाओ एदे ते अमल करते जाओ कुरान कुरान दे नाल दिल लगांदे जाओ कुरान ते अमल करते जाओ कुरान नु पढ़ना भी है सुनना भी है एदे ते अमल भी करना है कुरान ते अमल भी करना है। हजरात तवज्जो करिया जरा बहुत बड़ा नुक्ता कुरान ते अमल करन दा अज असी कुरान नु बयान भी करने हां असी कुरान नु पढ़ने भी हां कुरान नु सुनने भी हां लेकिन असी कुरान ते अमल नहीं करदे। हजरात जदों तक असी कुरान ते अमल नहीं करांगे कुरान पढ़न दा कोई फायदा नहीं जे कुरान नु सुनन दा कोई फायदा नहीं जे कुरान दे नाल दिल लगाना है ते इस तरह लगाओ जिस तरह पैगंबर दे सहाबा ने लगाया। हजरात ते कई ऐसे भी लोग ने जेड़े सिर्फ कुरान 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 ही करते रहते ने आंदे ने जी कुरान दे विचों जो लभेगा असी ओदे ते ही अमल करांगे असी हदीस नु नहीं मनदे सही बुखारी नु नहीं मनदे मुस्लिम इबने माजा तिरमजी सिहा सित्ता नु नहीं मनदे। मैं आखिया तुसी क्यों नहीं हदीस नु मनदे अगर कुरान नु पढ़ोगे कुरान दे अंदर अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया फरमाया वा अकीमुस्सला नमाज कायम करो नमाज पढ़ो। हुण दसो कुरान दे विच कित्थे नमाज दा तरीका लिखे सारा कुरान पढ़ो कुरान नु फरोलो
कुरान दे अंदर किते भी तुहानू नमाज दा तरीका नहीं मिलेगा। जिहड़ा कुरान नू फड़ लैंदा हदीस नू छड़ देंदा वह बंदा भी गुनाहगार है, वह बंदा कदे भी सीधे रस्ते ते नहीं चल सकता। अल्लाह पाक ने फरमाया वा आतु ज़का, ज़कात अदा करो। ज़कात दा नसाब कित्थों मिलेगा? पैगंबर दी हदीस दे विचों फरमाया रोजे रखो, कुतिबा अलैकुमुस सयाम। रोजे दे अहकाम मसाइल कित्थों पता लगणगे? पैगंबर दी हदीस दे विचों फरमाया हज करो, उमरा करो। हज दे मसाइल, उमरे दे मसाइल हजरात कुरान दे विचों नहीं मिलणगे, बल्कि पैगंबर दी हदीस दे विचों मिलणगे। इसे वास्ते मैं मुहब्बत ते प्यार दी दावत देना चाहना कि मुसलमान कदी भी ना रब दे कुरान नू छड़दा जे, ना पैगंबर दी हदीस नू छड़दा जे। जिहड़ा कुरान फड़ लवे हदीस नू छड़ देवे मुसलमान नहीं जे रहिंदा, हदीस नू फड़ लवे कुरान नू छड़ देवे। इसे वास्ते मुहब्बत ते प्यार दियां गल्लां कि मुसलमान दा कम नहीं ना मन्ने, मुसलमान दा कम नहीं ना मन्ने। ये कुरान हदीस बयान हो जाए दसो अल्लाह दे नबी दी ख्वाहिश नहीं सी राहे रास्ते हर इंसान हो जाए। किन्ना नबी करीम ने जोर लाया, किन्ना नबी करीम ने जोर लाया। चचा अबू तालब मुसलमान हो जाए पर उसे पासे दी हमेशा ही जित हुंदी, जिस पासे दे वल रहमान हो जाए पर उसे पासे दी हमेशा ही जित हुंदी, जिस पासे दे वल रहमान हो जाए। नबी मुहम्मद ने बिगड़ी सवार सकदा, झूठ बोलते ने गलत आखते ने, कोई लेख विच मेख नहीं मार सकदा। और बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई ना, पईयां बेटियां बकरियां चार दियां, वला नहीं सी शुएब दा दिल करदा, लस्सा चखदा इस बहार दियां। ओए ओनू कौन पूछे ए तू की करने, इते मर्जियां ने रब मुख्तार दियां। दरअसल अकीदे दियां गंदियां ने, शाना समझियां नहीं परवरदिगार दियां। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू कुरान नू पढ़ के इहदे ते अमल करन वाला बनाए, अल्लाह सानू पैगंबर दी हदीस नू पढ़ के इहदे ते अमल करन वाला बनाए। वा आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وكذا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ست
माइक बाग बहिष्ट दबूटा माइक बाग बहिष्ट दबूटा ते ठंडिया जिस दिया चावा दर दर दे तके पैन नानो ते मर गईया जिन्ना दिया मां ते मावां वाले कोती लेटना ते मिलिया खुशी खजाना ते मोया वाले उन्ना लिए सारा मुल्क बगाना। हजरत हर किस्म दी हमदो सना तारीफात किबरियाई बढ़ाई अकदाई तन्हाई वहदानियत उलूहियत अल्लाह वास्ते खास दरुद व सलाम इमामुल अंबिया महबूब खुदा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह लानती बंदा अल्लाह दे नबी ने उस बंदे पे लानत भेजी है जड़ा नबी पाक दा ना सुन के दरूद नहीं पढ़ता। बुलंद आवाज ना सारे पढ़ लो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते गिरामी ते क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देंदा चंद मिनट बाद मगरब दी नमाज है इंशाल्लाह मैं कोशिश करनी है कि इन्हा मिनटा दे अंदर तुहाडे दिलो दिमाग दे अंदर कुछ बातां बिठा जावा। मैं जिस आयत करीमा दा तुसा अहबाब दे सामने जिक्र कीता है एदे अंदर अल्लाह पाक ने एक हस्ती दा जिक्र कीता है ओ हस्ती केड़ी है जिन्नू दुनिया अंदर मां किया जांदा है। की किया जांदा है? मां किया जांदा है। ओ हस्ती बिना लालच दे अपने बच्चियां ना प्यार कर दिए ते मोहब्बता कर दिए ते ओदे वर्गी मोहब्बत ना चाचा दे सकदा है ना ताया दे सकदा है ना मामा दे सकदा है। जड़ा मर्जी अजीम रिश्ता होवे लेकिन ओदे वर्गी मोहब्बत कर सकदा। जरा कुरान सुन लो ते सीने ठार लो मेरे और तो सांदे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद आका दा नाम आवे जोश नल प्यार दनाल सुस्ती नहीं करनी होश अंदर पढ़ने जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते रब ने कुरान नजर कर दिता वे और अरशा वाले रब ने ऐलान करके कह दिते मेरे सोनिया महबूबा इन दुनिया वालियां नू ऐलान करके कह दे फरमाया वा रब्बू का अल्लाह ताबुदू इल्ला इयाहु व बिल वालिदैन एहसाना दुनिया ते वालिदैन दे नाल एहसान करने वालिदैन दे नाल मुहब्बत करनी है वालिदैन दे नाल अच्छा सलूक करना ओए वालिदैन दे नाल प्यार करना तेरा कम अरशा वाला रब तेरे वास्ते जन्नत दे अठ दरवाजे खोल देवेगा अरशा वाला रब तेरे वास्ते जन्नत सजा देवेगा ना ओए दुनिया ते मां प्यार कर दिए बिना लालच दे कर दिए ओए कोई इंज मुहब्बत नहीं करदा कोई इंज प्यार नहीं करदा। अल्लाह पाक फरमांदे ने दुनिया जहान दे लोगो दुनिया ते जिंदगी बसर करने वालो मां बाप दी इज्जत करया जे वालिदैन नाल प्यार करया जे। अल्लाह पाक फरमांदे ने वकजा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इयाहु व
بالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ نماز تو بعد بقیہ پروگرام شروع ہوئے گا. اللہ کے دعائے جو کو سنیا سنایا، اللہ سانو سب نو ماں دا خدمت گزار بنائے، ماں باپ دا تابع دار بنائے، اور ماں باپ نا سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.